नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति। निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर जमीन कब्जाने का आरोप बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। पीड़ित आयुष सिंगल के आंसुओं के बाद लखनऊ के डीएम को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा और कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसमें सीएम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि सरकार अमन मणि का बचाव कर रही है या फिर आयुष सिंगल झूठ बोल रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। अमन मणि जमीन कब्जा मामले में नया मोड़, लखनऊ डीएम ने पीड़ित को बताया झूठा। क्या फरेब हैं व्यापारी आयुष सिंगल के आंसू या विधायक को बचा रहा लखनऊ प्रशासन? मैंने आईजीआरएस में 3 बार कंप्लेन किया, तीनों की कॉपी मेरे पास है और आईजीआरएस में मेरे मामले को निस्तारित कर दिया गया मेरे को बिना बताए। 19 मार्च को जब इन्हें लगा कि इनका मुकदमा इसके अगेंस्ट डिसाइड हो गया है, तब से इन्होंने दोबारा से एक कुचक्र का सहारा लेना शुरू किया और शासन प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की गई। डीएम साहब से मिला, जबकि डीएम साहब का खुद का आदेश है और उन्हीं के आदेश से जमीन पैमाइश हुई है, फिर भी उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं दिलाया। सारी चीज़ें इनके पक्ष में नहीं हुई तो इन्होंने कोशिश की गई कि पुलिस और प्रशासन इनकी दीवार बनवाए और पूरे के पूरे फोर्स के साथ प्रशासनिक जबरदस्ती के साथ ही अपना काम करवा सकें। इसलिए इन्होंने पहले तो शिकायतों का दबाव बनाना शुरू किया, फिर मीडिया का सहारा लेना शुरू किया। जिंदगी में तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी। किसने कहा? महाराज बताइए मेरी क्या गलती। इन्हीं आंसुओं के साथ व्यापारी आयुष सिंघल ने निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने इस मसले में सीएम योगी को भी घसीट लिया और कहा कि वो फरियाद लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए थे, लेकिन सीएम योगी के जनता दरबार से आयुष को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रणाम करते हुए मैंने बोला कि महाराज जी, हमारी जमीन पे अमर मणि और अमन मणि त्रिपाठी ने कब्जा कर रखा है। वो राजस्व के आदमियों को जेल से फोन करके गाली बकते हैं, उनको वहां पे जाने की धमकी, ना जाने की धमकी देते हैं, कहते हैं वहां पे जाओगे तो तुम भी जान से हाथ खो बैठोगे। तो मैं ये चिट्ठी लेकर के गया उनके पास में, उन्होंने चिट्ठी चला के फेंक दी और कुछ कहा भी आपसे? कहा कि इस प्रशासन में तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। इस पर अमन मणि त्रिपाठी की सफाई भी सामने आई और कहा कि अभी मामला एसडीएम कोर्ट में है, कोर्ट ही इस पर फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। हम लोग कोर्ट में है, ये कहने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई विषय कुछ नहीं कर सकता जब तक कोर्ट में है। हम तो मामला, आपने हमसे कहा तो हमने जाना। मामला ये है कि हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम, उसके बाद जब हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद से हमने उस जमीन को देखने का काम किया और जमीन हमारी थी, है, जो भी है। बता दें कि लखनऊ में चिन्हट इलाके में 22.5 बीघा जमीन है। आयुष के परिवार ने 2012 में जमीन 6 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आयुष सिंघल ने इसी जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है। आरोप निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी और जेल में बंद उनके पिता अमर मणि त्रिपाठी पर है। अमन मणि त्रिपाठी यूपी की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक है। उनके पिता पूर्व विधायक अमर मणि त्रिपाठी मधुमिता हत्याकांड में जेल में बंद है। खुद अमन मणि त्रिपाठी पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। अमन मणि त्रिपाठी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। जब जमीन कब्जाने का मामला मीडिया की सुर्खी बना तो लखनऊ प्रशासन भी सफाई देने के लिए आगे आया। आयुष की शिकायत का मामला बढ़ता देख लखनऊ के डीएम कौशल राज ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद पूरी कार्रवाई की गई। शिकायत के तुरंत बाद पुलिस भेजी गई थी। जमीन का बंटवारा भी लंबित है और ये मामला अभी एसडीएम की कोर्ट में है। जमीन का 8 खातेदारों में बंटवारा होना है और इसमें सिंचाई विभाग का भी हिस्सा है। इनके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ना लेके किसी न किसी तरह षड्यंत्र किया गया कि दबाव में लेकर इनके द्वारा अपनी कार्रवाई कराई जाए। 19 मार्च का जो आदेश है वो भी गवाह है, जिसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि पैमाइश तब तक संभव नहीं हो पाती है जब तक कुरेबंदी नहीं कराई जाती है। ये बहुत सामान्य सी न्यायिक प्रक्रिया है, अगर ये पालन कर लेते तो हो सकता है 10 महीने में अब तक इनके कुरेबंदी के बाद पैमाइश भी हो चुकी होती। लेकिन उसका सहारा ना लेके इस बिल्डर के द्वारा किसी न किसी प्रकार से विधायक का नाम लेके और आईजीआरएस पोर्टल पे शिकायत का नाम लेके एक षड्यंत्र रचा गया और अपना कार्य कराने के लिए बाकी चीजों का सहारा लिया। आपको बता दें कि आयुष सिंघल नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी फरियाद लेकर योगी के जनता दरबार में गए तो उन्होंने इसकी बात सुनने के बजाय फरियादी की फाइल फेंक कर धक्का दिया और बाहर जाने को कह दिया। इस पर डीएम ने इन आरोपों को झूठा बताया।
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रणाम करते हुए मैंने बोला कि महाराज जी हमारी जमीन पे अमरमणि और अमनमणि त्रिपाठी ने कब्जा कर रखा है, वो राजस के आदमियों को जेल से फोन करके गाली बकते हैं, उनको वहां पे जाने की धमकी ना जाने की धमकी देते हैं, कहते हैं वहां पे जाओगे तो तुम भी जान से हाथ खो बैठोगे। तो मैं ये चिट्ठी लेकर के गया उनके पास में, उन्होंने चिट्ठी चला के फेंक दी और कुछ कहा भी आपसे? कहा कि इस प्रशासन में तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। 21 मार्च 2016 को नई गवर्नमेंट बनने के बाद इनके द्वारा एक सीएम ऑफिस में शिकायत की गई, उसकी शिकायत का तुरंत संज्ञान लेके इनकी पैमाइश पूरी कराई गई, जुलाई में उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, उसके बाद 2-3 बार दोबारा इन्होंने आईजीआरएस पे जब जब कंप्लेन की तब तब उसकी पैमाइश टोटल स्टेशन मशीन के द्वारा और पुलिस बल की प्रेजेंस में कराई गई। इसके बाद जो एसडीएम कोर्ट का जो मुकदमा था वो भी डिस्पोज कराया गया। 19 मार्च को जब इन्हें लगा कि इनका मुकदमा इसके अगेंस्ट डिसाइड हो गया है तब से इन्होंने दोबारा से एक कुचक्र का सहारा लेना शुरू किया। ऐसे में सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। क्या प्रशासन निर्दलीय विधायक अमन मणि की मदद कर रहा है या फिर आयुष सिंघल के आरोप ही झूठे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।